हेलो नमस्ते कचरा पब्लिक, क्या बोलता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक नई प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे हैं जो कि नेरुल में सेक्टर 6 में आ जाती है। अब ये प्रॉपर्टी लेने के कई सारे फ़ायदे भी हैं, और जबकि आपको लगता होगा कि ये प्रॉपर्टी में, जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये ओल्ड प्रॉपर्टी है, अब वो 15 ईयर्स 20 ईयर्स के आसपास ये प्रॉपर्टी है। अब ये फ़ायदे क्या है, तो यहाँ पर फ़ायदा ये है कि ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये रीडेवलप में जाने वाला है। यहाँ पे मैं आपको 2 BHK दिखाने वाला हूँ जो सेमी ऑलमोस्ट फर्निश फ्लैट है, जाके दिखा देता हूँ। तो प्रॉपर्टी लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, रीडेवलप में जाएगा। रीडेवलप जाने के बाद आपको 5 BHK का जो से रेट है, तो आपको तो पता ये 2 BHK का नॉर्मली रेट कितना है, तो 2 BHK के यहाँ पे 2.5 के ऊपर बड़ा मीन्स रेट चला जाता है टावर में। तो ये जब आपका अभी ये जो प्रॉपर्टी का प्राइस है, तो मैं आपको वीडियो में दिखाते दिखाते आपको बता ही दूंगा। तो चलिए जाके देख लेते कैसा है प्रॉपर्टी। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये है अपना फुली फर्निश्ड फ्लैट। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो टीवी का सेट, सोफा सेट, डाइनिंग, ये अपना हॉल है। और हॉल के सीधा जाएंगे तो यहाँ पे अपना एक बड़ा सा बेडरूम है, आप बेडरूम की साइज भी देख सकते हो, ये एक बेडरूम है और एक बढ़िया बात है, ये जो फ्लैट है, फ्लैट के पीछे जो डिस्टेंस है बाकी बिल्डिंग का, जो बाकी रूम्स का, तो आप देख सकते हो कितना डिस्टेंस है, बहुत सारा डिस्टेंस है। तो इसका ये फ़ायदा है कि हमें वेंटिलेशन, हवा का मीन्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसका गैलरी भी इतना बड़ा है और वो अटैच गैलरी है, ये एक बेडरूम और दूसरे बेडरूम को वो अटैच कर देती है। अभी यहाँ पर बहुत सारा सामान होने के कारण आपको थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा होगा, लेकिन ये जो फ्लैट है काफ़ी बढ़िया है। इसके एरिया की बात करेंगे तो इसका कारपेट एरिया 650 के आसपास आ जाता है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे गाइस, जो जो चीज़ें फिक्स है वो फ्लैट के साथ ही आपको मिलने वाली है। तो बात करते हैं कि अपना प्राइस भी कैसा है क्या है, तो आप कंटिन्यू देखते रहो, मैं आपको प्राइस के बारे में भी बता दूंगा। तो फ्लैट काफ़ी अच्छा बना है, ये एक कॉमन बेडरूम है। तो जैसे हम हॉल के पास आ जाए, हॉल के अंदर आ जाते हैं, तो लेफ्ट साइड में हमारा ये कॉमन वाशरूम है। यहाँ पर आप देख सकते हो वॉशरूम की साइज़ भी बहुत बढ़िया है। और इसी साइड में हमारा है किचन, तो किचन का साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है और सेमी मॉडुलर किचन है। जैसे ओनर ने कहा कुछ चीज़ें यहाँ पे वो उनके साथ लेके जाने वाले हैं, और जो फिक्स है वो यहाँ पे वैसे ही रहेगी जो फ्लैट के साथ आपको मिलेगी। और किचन का भी जो बाकी बिल्डिंग का जो भी दोनों के बीच में जो गैप है, तो वो काफ़ी दूर है दूसरा बिल्डिंग, तो इसकी वजह से जो वेंटिलेशन का और किचन में हवा पानी मीन्स हवा का वेंटिलेशन का कोई इश्यू नहीं आएगा। किचन आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, एल टाइप किचन है यहाँ पे। सीधा जाएंगे तो यहाँ पे अपना टब आ जाता है, और यहाँ पे अपना आ जाता है मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम का आप साइज़ देख रहे हो, इतना बढ़िया मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे शायद आपको थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा होगा, यहाँ पे बाजू में काम चालू है तो उसी का आवाज़ है यहाँ पे। तब मास्टर बेडरूम का साइज़ देखो, ये एक किंग साइज़ बेड है, ये बेड बैठ के भी कितनी सारी जगह यहाँ पे आपको मिल रही है। ये मास्टर बेडरूम का जो है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया है मास्टर बेडरूम। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको वो वाले बेडरूम में जाके देखा था, यहाँ पे कॉमन जो बालकनी है इसे अटैच है, यहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा है, इसलिए यहाँ पे भी आपको थोड़ा कम लग रहा होगा, वो साइड में भी थोड़ा बहुत सामान है, लेकिन जो साइज़ है फ्लैट का, जो बालकनी का है, वो काफ़ी बढ़िया है। और फ्लैट का डायरेक्शन की बात करेंगे, वास्तु के हिसाब से बात करेंगे, तो प्रॉपर ईस्ट वेस्ट फ्लैट है। और ये जो फ्लैट का जो प्राइस की भी बात करेंगे, तो मैं आपको बता ही देता हूँ प्राइस कैसा क्या है। जो प्राइस है इसका 115 है, वो निगोशियेबल है, ऑन टेबल आपको भी निगोशिएट हो जाएगा। लेकिन ये प्राइस में आपको ये फ्लैट लेने का फ़ायदा ये है कि आपको ये पाम बीच के पास ये जो सोसाइटी, ये रिडेवलप में जाएंगी। जब ये रिडेवलप में जाएंगी तो आपको फ़ायदा कितना होगा, ये भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल 2 BHK की साइज़ अगर बात करेंगे, नॉर्मल 2 BHK जैसे टावर में, तो वहाँ पर आपको जैसे पता है कि पाम बीच पर जो प्राइस है 2.5, इसके जैसा यहाँ पे प्राइस चालू है। और ये फ्लैट आपको प्रॉपर 2 BHK बहुत बढ़िया सा फ्लैट आपको मिल रहा है 115,
ये निगोशिएबल प्राइस है या आस्किंग प्राइस है, ये प्राइस निगोशिएट हो जाएगी ऑन टेबल। तो चलिए गाइस, तो आपको ये फ्लैट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। जैसे कि आप देख रहे हो गाइस, ये है फ्लैट का पार्किंग है, यहाँ पे ये अलॉटेड पार्किंग है इस फ्लैट के लिए। जो लोकेशन के बारे में मैं आपको जैसे बताया, बहुत ही प्राइम लोकेशन है, पाम अपना जो पाम बीच है उसके एकदम बगल में है, और ये शिड़को का प्रॉपर्टी है, टेंडर प्लॉट है। जैसे कि आपने ये फ्लैट देखा गाइस, तो आपको ये फ्लैट डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। मुझे अच्छा इसलिए लगा कि यहाँ पे जो इन्वेस्ट करने का जो आपका फ़ायदा, तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये नेरुल का बहुत प्राइम लोकेशन है, सेक्टर 6 में आ जाता है ये लोकेशन, और ये पाम बीच के एकदम बगल में है। तो पाम बीच का आपको प्राइस पता ही है 2 BHK का, और ये जो सोसाइटी, ये शिड़को का सोसाइटी, शिड़को टेंडर प्लॉट है। तो ये इन फ्यूचर ये डेवलप में, रीडेवलप में जाने वाला है। यहाँ पे एक दो प्रोजेक्ट इस साइड में पाम बीच में रीडेवलप भी हो चुके हैं। तो जैसे कि मैं भी अगर रीडेवलप में अगर जाता है ये 2 BHK, तो आपको 2.5 मिल सकता है, 3 BHK भी मिल सकता है। तो आपका डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी लेने के पीछे फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो चलिए मैं आपको ना ये नीचे का सोसाइटी भी दिखा देता हूँ और बाकी का लोकेशन भी दिखा देता हूँ, जैसे कि आउटर लोकेशन है। तो चलिए मेरे साथ अपना वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। जैसे कि आपने देखा प्रॉपर्टी का लोकेशन, प्रॉपर्टी एकदम प्राइम लोकेशन पे है, पाम बीच के पास है। जैसे कि मैंने आपको बाहर का लोकेशन भी दिखा दिया। तो जिनको भी अगर ये प्रॉपर्टी विजिट करना है या इसके बारे में कोई इंक्वायरी करना है, मन में कोई डाउट्स वगैरह जो भी रहेगा, तो मुझे यहाँ पे नंबर आता ही होगा, तो वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दे देता हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।